सुनिए जी, हाँ सुन रहा हूँ। वो मैं सोच रही थी मेरे सोने का कंगन मैं अपनी बेटी को दे दूं। कंगन? पर वो तो बहुओं के लिए है ना। बहुओं के पास तो बहुत कुछ है, पर अपनी बेटी के पास कहाँ है? तो क्यों, उसकी शादी में दिया तो था उसको बहुत कुछ। उतने से क्या होता है? बहुओं के लिए तो हम करते रहेंगे, पर बेटी के लिए कहाँ कर पाएंगे हर वक्त? तो बेटी के पास भी तो उसके सास ससुर हैं, वो करेंगे उसके लिए। अरे कोई नहीं करता, उसकी सास देखी नहीं है? हमेशा ताने मारती रहती है मेरी बेटी को। अरे संजना, रिश्ते दोनों तरफ से निभाए जाते हैं। और रही बात कंगन की, तो अगर मेरी माँ ने ये कंगन अपनी बेटी को दे दिए होते तो आज होते भला तुम्हारे पास? और ये बात अच्छी नहीं है संजना कि तू बहुओं का हक बेटी को दे दे। ये कंगन बहुओं की शोभा रहे हैं शुरू से, मेरी माँ ने इस परंपरा का पालन किया, अब तुझे भी करना है। और रही बात बेटी की, तो उसके हक का तो हम उसे दे ही चुके हैं। और रही बात मान मर्यादा की, तो उतना तो हम करते ही रहेंगे। और हाँ, हमारी बेटी के पास भगवान की दया से कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छा घर देखा है उसके लिए। और देख, तू ही तो कहा करती है कि मेरी सास कितनी अच्छी थी, मेरे लिए ये छोड़ के गई, मेरे लिए वो छोड़ के गई। यही सब तेरी बहुएं भी बोलेंगी तेरे लिए, अगर तू उनके बारे में सोचेगी। क्योंकि जैसा हम किसी दूसरे के साथ में करते हैं, किसी न किसी रूप में वही हमें मिलता है। हाँ जी, समझ गई मैं, आप सही कह रहे हो, बहुओं का हक बहुओं का होता है और बेटी का हक बेटी का होता है। दोस्तों, अगर आप भी बात समझ गए हैं तो प्लीज इस वीडियो को एक शेयर जरूर कीजिएगा।